आज हम बनाएंगे एकदम सफेद सफेद गोल गोल पेड़े, क्योंकि दीपावली आने वाली है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 लीटर मिल्क ले लिया है, फुल फैट मिल्क है ये, और इसको हमें बॉयल होने तक ऐसे ही हिलाते हुए पकाना है ताकि ये तली में जले नहीं। मिल्क में बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मीडियम कर लेंगे फ्लेम को, और हमें इसको गाढ़ा होने तक पकाना है इसी तरीके से, जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए मिल्क, हमें तब तक इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद फ्रेंड्स हमारा मिल्क पकते पकते बिल्कुल आधा हो चुका है, और हमें इसको और अभी बिल्कुल खोए की तरीके से कर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल ही थोड़ा बचेगा उतना हमें कर लेना है इसको। अब हमारा मिल्क बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ गया है, अब हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है वरना ये तली में लग सकता है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए बिल्कुल हमें पकाना है और एकदम खोया की तरीके से बना लेना है। और अभी हमें इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। हमारा मिल्क पकते पकते बिल्कुल खोए के फॉर्म में आ गया है। अब हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, तो ये कम से कम 70 से 80 ग्राम चीनी है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अभी हमें फ्लेम को मीडियम में कर लेना है और इसको अच्छे से चीनी को मेल्ट होने तक ऐसे चलाएंगे। तो हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये तली ना छोड़ने लग जाए कढ़ाई की, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और ये अपने आप ही तली छोड़ने लग जाएगा, तब हम इसको उतार लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा तली छोड़ने लग गया है, अब हम इसको एक प्लेट में पलट लेंगे। इसे हमने एक प्लेट में पलट लिया है, अब इसको 2-4 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे पेड़े बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसकी एक गोल पेड़े की तरह से ले लेंगे और इसको राउंड करते हुए ऐसे, और यहाँ पे हमने ये एक सांचा ले लिया है और इसको ऐसे करके, और देखिए कितने गोल गोल हमारे पेड़े बन गए हैं मैं बनाई हूँ। और इनको मैं डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा इन पे ये पिस्ता लगाऊंगी। और बीच में थोड़ा सा ये केसर भी लगाऊंगी, इससे इनकी शोभा और भी बढ़ जाएगी। हमारे पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं, देखिए कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं, वे खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और जैसे दीपावली आ गई है तो हम सब मिठाइयाँ बनाते हैं, तो देखिए। तो चलिए, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप सब लोगों को हैप्पी धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, खुश रहिए।